हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कादर पैलेस में आज शाम के वक्त मनपा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों ने कार्रवाई की। ये कार्रवाई दुकानों के सामने जो ओटे बनाए गए थे उन्हें मनपा ने तोड़ दिया है। इसी कार्रवाई के दौरान मोहम्मद शाहरुख, जो एसके चिकन शॉप में काम करता है, और वहाँ पर जब मनपा के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुँचे और इसी दौरान हथौड़ा से जब वहाँ पर दुकान के सामने जो ओटा है वो तोड़ना मनपा कर्मचारी शुरू किए, उसी दौरान एक प्लाईवुड जो है वो शाहरुख के सर पर गिर गया, जिसमें कीला लगा हुआ था और कीला लगने की वजह से शाहरुख के सर में जख्म हो गया और काफ़ी खून बहने लगा। हालांकि इसके बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा हो गया और जिसके बाद मनपा कर्मचारी वहाँ से चले गए। ज़्यादातर लोग वहाँ पर ये चिल्ला रहे थे कि मनपा कर्मचारियों ने उसे मारा है और इसकी शिकायत भी ये लोग पुलिस स्टेशन में करने के लिए जाने वाले हैं, इसी जानकारी दिए थे। अब मगर इस पूरे मामले में जब हमने अतिक्रमण विभाग के जो कर्मचारी हैं संदेश बने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि किसी ने मारा नहीं है और जब कार्रवाई हो रही थी उनसे हटने के लिए कहा जा रहा था लेकिन वो हटे नहीं, और उस समय दुकान के सामने जो ओटा है उस पर जब हथौड़ा मारा गया तो एक प्लाईवुड खड़ी थी वो उसके सर पे गिरी जिसमें कीड़ा लगा हुआ था, इस वजह से वो घायल हो गया है। बहरहाल कार्रवाई के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ और जिस शाहरुख नाम के लड़के को चोट लगी है उसने क्या कुछ कहा, इसके चिकन शॉप के मालिक ने क्या कुछ कहा है, और जुनेद कपड़ा वाले ने भी इस पर क्या जानकारी दी है क्योंकि कार्रवाई के दौरान वो वहां पर मौजूद थे। मैंने जाली हटा रहा था भाई, तो वो मैंने बोला कि साहब दो मिनट रुक जाओ, तो बोलता है इसमें नहीं सुनता हूँ हटा, तुम लोग को पहले ही सोच के रखना चाहिए। मैंने बोला साहब दो मिनट रुक जाओ जरा, बस उसने सुना नहीं तो बोलता हट नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो उसने ना मारा ना तो वो किला चटक के मेरे सर पे। अच्छा, किला उसमें से निकल के तुम्हारे सर पे आके लगा, वो पलाई से ही पूरा मेरे ऊपर गिरा, पलाई गिर गई सर के ऊपर। किसके इधर काम करते आप? मैंने ये मेरी दुकान ही है। अच्छा, ये एसके चिकन शॉप आपके यहाँ काम करते हैं? मेरे तो मनपा की कार्रवाई हो रही थी आपके यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सलीम खान। अच्छा, कितने बजे? 5 बजे के टाइम पे ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई हुआ तो कैसे बोला कि पटरा गिर गया कार्रवाई के दौरान उसके? असल में एक्चुअली मैं था घर पे, बच्चे लोग थे, वो जब आया तो बच्चे लोग बोले कि भाई दो मिनट उठा ही रहे थे उसको देख के, उसने जो है मतलब फिलहाल उनसे छीनने की कोशिश किया, इन लोग बोले साहब रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा बताया बड़ा वाले लड़के ने बताया, जब तक उठा के घन उसने मारा और वो किला छटक के इसको लग गया। तो आप बाहर क्या रखे थे? तो वो जाली जिसमें मुर्गी रहती हो? हाँ, अपने दुकान के हद के अंदर ही था वो। अच्छा। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं था। नहीं ठीक है, बाहर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सर, सबसे पहली चीज़ तो देखो ये कौन सी कार्रवाई है, ये किस किस्म की कार्रवाई है, मतलब आप ठीक है किसी ने कंप्लेंट किया है इल्लीगल बांधकाम या इल्लीगल आगे कोई छुपाने वाला आया है, कानूनन पूरा अधिकार है आप आके तोड़े उसको डिमोलिश कर दे, मगर ये कौन सी कार्रवाई थी, मतलब आपको कंप्लेंट किया इंसान का खून निकालने के लिए की गई थी, थोड़ा सब्र करते उसको बाहर आने देते, दुकान वालों को बाहर निकालते उसके बाद कार्रवाई करते, कंप्लेंट हुई थी आपके पास ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कॉपी दिखा देते, एक प्रोसीजर से जाते, इतना घाई करने की क्या जरूरत थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसका जिम्मेदार कौन है?
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हथौड़ा मारने वाला और जेसीबी मारने वाला या जो ऑफिसर आए थे वो इनकी जिम्मेदारी लेंगे कि भाई वो उसके जिम्मेदार है। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं ऐसे इसके खिलाफ? अब ये ओनर ऑफ द हम लोग जा रहे हैं, ये है उनके नाम पे एनसी करेंगे, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, एनसी देंगे और हम लोग मांग करेंगे इसका कि इसको सस्पेंड किया जाए।